और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, आ, आ, बहुत ऊपर है। तो गाइस आ चुका है और एक नया वीडियो के साथ। सो गाइस, तो इस बार हम लोग खेल रहे हैं पेलोट मोड। सो मुझे यहाँ पे मिल गया जो आरपीजी जो मिल गया है, और आरपीजी से मैं यहाँ पे को नॉक कर देता हूँ। और गाइस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ब्रो मतलब कुछ लोग बोलते हैं यार, मतलब सब्सक्राइबर्स लोग बोलते हैं भाई तुम अपना वॉइस ओवर वीडियो बनाओ, तो ये लो भाई लोग तुम लोग के लिए वॉइस ओवर वीडियो आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर जब मैंने आरपीजी मारा है किसी शॉट में उसको मर जाना चाहिए था, पर पता नहीं यार कैसे मरा। इसको मारने के बाद तो गाइस आ चुके हैं हम ऊपर, हमें यहाँ पर लूट कर रहे हैं। तो गाइस ऊपर से एक मतलब हेलीकॉप्टर आ गया था इधर है यार ये बंदे। तो गाइस मैं इसको मतलब आरपीजी का शॉट मैंने से उसको नॉकआउट कर दिया, और एक जो उसका टीममेट था वो मतलब एप पर वो सेफ हो गया, तो उसी को मैं मारने के लिए इधर से गया। और ये एनिमी मुझे बहुत टाइम तक घुमाया, और जब मैं यहाँ पर खड़ा था तो मुझे मतलब साउंड ऐसा लगा कि हाँ वो ऊपर हो सकता है, तो मैं ऊपर की तरफ गया और हाँ वो ऊपर ही था। और फिर से यहाँ पर देखिए उसी शॉट में उसको मर जाना चाहिए था, उसको भी यहाँ पर नॉकआउट कर देते। तो गाइस उसका मारने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और शायद से बंदा सेफ होकर भाग रहा था, इसका हेल्थ कम होगा, तो हमने इसे उसको रास्ते में मार दिया। और ये सामने वाला बंदा को मैंने मार दिया जिसने मेरा टीममेट को मारा था, आप देख सकते हैं नंबर 3 का मतलब कार्ड है, तो हमने उसका मार दिया। और गाइस यहाँ पर मैं उसको मारता नहीं कम्प्लीटली क्योंकि उसके पहले यहाँ पर दूसरा बंदे भी फाइट कर रहे होते, तो मैं पहले सोचा कि भाई किल चोरी कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर किल चोरी कर लिया। और सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई मेरे टीममेट का कार्ड उठाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने जाकर उसका टीममेट का कार्ड पहले मेरा टीममेट का कार्ड उठा लिया। तो यार इस बॉट का मारने के बाद हमें मिल गया थोड़ा एमो जो कि हमारे पास नहीं था, और भाई मेरे पास कोई मतलब ग्रिप वगैरह था नहीं या मसल था नहीं, तब भी मैंने ट्राई मारा और यहाँ पर एक को मैंने नॉकआउट किया। और फिर नॉकआउट करके मतलब करके मैं टीम मतलब किल कंफर्म भी कर लिया मैंने। और कंफर्म करने के बाद मैंने सोचा भाई यहाँ से निकलना थोड़ा सेफ है क्योंकि भाई इधर घास है, मतलब बंदा आराम से कैंप करके मुझे मार सकता है, तो भाई मैं यहाँ से निकल गया। मेरा टीममेट को भी मैंने बचा लिया, और फिर हम लोग अभी कोचिंग के पे यहाँ पर मतलब गन लूट रहे थे थोड़ा, जो मेरा टीममेट मतलब वापस आने गया, तो यहाँ पे मतलब बीआरडीएम वाले ने आके उसको नॉकआउट कर दिया। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, तो गैस मतलब कवर में था कि मुझे पता नहीं था कितने बंदे थे, और फाइनली मतलब उसने बता दिया कि एक ही था, तो मैं आ गया उसका हेल्प करने। और गैस पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ था, बंदा ने मारा तो था लेकिन एमओ लगा नहीं यार, मतलब ना ही मेरे टीममेट को लगा ना मेरे को, तो भाई लोग उसको रिवाइव करने के बाद हम लोग मतलब चौपर से गए। तो यहाँ पर एक स्क्वाड पूरा था जिसका ठाडा है स्टार्ट था, तो मेरे टीममेट ने एक को मार दिया, सो दूसरा शॉट भी उसने मार दिया, और फिर मैं उतर के लास्ट वाले बंदे को मार दिया। शूट कैसा था तेरे भाई का, एम एक नंबर। तो गाइस यहाँ पर सामने बंदा है मतलब टीममेट ने मार दिया था भाई, और पता नहीं यार मैं यहाँ पे उसको शॉट मारा लेकिन उसको लगा नहीं, सो मैंने फिर ट्राई किया तो बॉडी शॉट एक लगा, और फिर बॉडी शॉट पे वो ख़त्म हो गया। तो गाइस सामने एक बंदा था, मैंने उसका पोजीशन मतलब
वीडियो जब बना रहा था तब देखा, और उतना देर में हेलीकॉप्टर आ गया फिर से, और तो मेरा टीममेट ने जैसे मिसाइल का वो टारगेट लॉक्ड बोल के जो आवाज़ था तो सारे एनिमी उतर गए। अबे हमसे कूदेंगे इन्हें भी डर के कहाँ मार के, क्या मार कर मार कर। तो गाइस यहाँ पर हो जाता है मेरा टीममेट नॉक, और वो जो एनिमी था बहुत ही चालाक था, वो पूरा रोटेट मार के अब देख सकते इधर से आया झाँकि वो उस तरफ से उसको क्या हेलीकॉप्टर पे देखे थे। तो गाइस मेरा लक अच्छा था कि मतलब आरपीजी से मैं मारा नहीं, मेरा हेल्थ थोड़ा सा बच गया था। तो यहाँ पर हम हील करते हैं, लेकिन तब तक एनिमी आ जाता है और मेरे टीममेट को मार डालता है और मैं उसको बचा नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली। तो कोई बस कोई बात नहीं, हम बदला ज़रूर लेंगे, और हमने इसको भी मार दिया है। तो इसका भी किल मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि भाई किल तो हमें चाहिए भैया। तो इसको मारने के बाद मैं यहाँ पर मेरा M249 रिलोड करता हूँ। अगर जो लास्ट बंदा बाकी था वो यहाँ पर मतलब कैंप कर रहा था गिली सूट पहन के, तो फाइनली मैंने उसको कर दिया, मैंने उसको मतलब किल कर दिया और इसको किल करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा हीलिंग कर लेता हूँ भाई, क्योंकि भाई मेरा थोड़ा वो हेल्थ कम गया था। तो इसको हील करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, और जोन के साइड में तो बंदे रहते हैं आपको पता है, अब पता नहीं है कैंपस लोग का, और पता नहीं यार ये बंदा अलग ही नशे में था, मतलब मैं इसको मार रहा हूँ मेरे सामने ही लेता है, अलग ही लेवल का कैंपर है भाई। तो कोई बात नहीं, हम लोग ने इसे भी मार दिया और जोन चले गए। और मैं जब यहाँ से बग्गी से जा रहा था तो एक लेटा हुआ बंदा मुझे स्पॉट हो गया और मैंने उसको भी मार दिया। अब आप देख सकते हैं भाई मैंने गेम के टाइम में नोटिस नहीं किया, आज नोटिस किया, मेरे साइड में देखिए एक बंदा खड़ा है वो जो सैक के पीछे, मैं वीडियो बनाने का टाइम में नोटिस किया, पहले नोटिस नहीं किया, नोटिस करता तो मैं पहले ही मार देता। और जब जोन आ गया तब मैंने उसे नोटिस किया, और तब मैंने मार सकता था लेकिन किस्मत अच्छा था कि उसने मारा नहीं। और यहाँ पर एक आरपीजी का मत बहुत ही मतलब गंदा वाला शॉट आके पड़ा, मेरा लक अच्छा था कि मैं बच गया। और भाई यहाँ पर वो कैंप कर रहा था और मुझे दिख गया, तो मैंने उसे भी मार दिया। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग और वीडियो भाई, ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भाई, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस वीडियो का लाइक और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा।